ऋषिकेश से निकले एंड आज हमारी हिमाचल प्रदेश की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी एंड हम लोग चंडीगढ़, शिमला एंड मनाली जाने वाले थे। बट हमें क्या पता था हमारी ट्रिप कुछ अलग ही टर्न लेने वाली थी। तो देखते हैं हमारी ये ट्रिप हमें कहाँ ले जा रही है। पापा, पापा प्लीज कहीं गाड़ी रुकाना। वो क्या हुआ ना, अभी हम लोग घाट में से गोल 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 घूम के आए ना, और हमने जो सुबह नाश्ता किया था वो भी पचा नहीं है, तो एकदम ऐसे वॉमिटिंग की जैसे हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं बहुत। कृष्णा थोड़ा सा आगे ले लेता है, फिर रुकाता। बच्चे, उसको भी वॉमिटिंग की जैसे हो रहा है, वो एकदम शांत पड़ा हुआ है पीछे। नहीं नहीं, मामा प्यारे। तो पापा ने ना हम सबके लिए आइसक्रीम लाई है। क्या है ना, ऐसे मलमल हो रही है, वॉमिटिंग की जैसे फील हो रहा है ना, इसलिए आइसक्रीम खाने के बाद में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप भी खाओ पापा आइसक्रीम। किसने ढक्कन बिना चाटे इधर रख दिया? दीदी, ये ले पकड़। आइसक्रीम का ढक्कन ऐसे बिना चाटे नहीं रखना चाहिए पापा। नहीं, अपशकुन रहता। आइसक्रीम का ढक्कन बिना चाटे अगर रख दिए तो अपशकुन हो जाता बच्चों। पापा के साथ कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं मम्मा पापा के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं। बताओ मैंने किसका शर्ट पहना है? पापा का शर्ट पहना है, क्योंकि मैं तो थोड़ी सी ठंडी लग रही थी ना, इसलिए मैंने पहन लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हम सीधा जाएंगे मनाली। यहाँ से हमारा हिमाचल प्रदेश का टूर जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप सब लोग एक्साइटेड हो? और हाँ यार, मैंने सुना है कि मनाली की तरफ है ना बर्फ बर्फ भी गिरा है, तो वहाँ पे ना और ज्यादा मजा आएगा। कृष्णा और मैं तो मस्त बर्फ में खेलेंगे और आप सबको भी बहुत इंजॉय होगा। और हाँ, आप सबको पता है मैंने तो है ना साड़ियाँ भी लाई हुई है वहाँ पे बर्फ में पहनने के लिए। मस्त मैं बर्फ में साड़ी पहनूंगी, कितना अच्छा लगेगा, एकदम मूवी के जैसे सीन होगा वहाँ पे। तो अभी ना हम लोग कुछ खा लेते क्योंकि बहुत भूख लगी, और हम लोग रुके हैं श्री सतगुरु कृपा ढाबा पे। यहाँ पे जाके है ना कुछ खा लेंगे। और अभी है ना मेरे को थोड़ा सा है ना अच्छा भी फील हो रहा है, क्योंकि आइसक्रीम खाई थी ना, नहीं तो उससे पहले बहुत भयानक वाली चक्कर आ रही थी। तो पापा है ना ऐसे चलते हैं, एक मिनट पकड़ो मैं चल के दिखा दूँ। ऐसे चलते हैं पापा। चल बैठ। तो अभी हम लोग हैं एकदम देसी ढाबे पे बैठे खाना खाने के लिए। देखो ये रहा जीरा आलू और ये रहा दाल तड़का, और मम्मी की और मेरी फेवरेट हरी मिर्च। इतने दिनों के बाद ना हम ऐसे हरी मिर्च खाने वाले खाने में। तीखी है। मिर्ची खा रही है? नहीं, वो अभी इतने दिनों के बाद हम ऐसे मिर्ची खा रहे हैं ना, इसलिए। देखो खाना होने के बाद मैं ना यहाँ पे कृष्णा है ना ये गन्ने का जूस पी रहा है, उसको बहुत दिन से गन्ने का जूस पीना था। तो आप सब लोग भी है ना इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। मोटो ब्लॉगिंग को है ना बहुत मेहनत लगती है, इतना दूर तक जाना पड़ता है। अभी ये केदारनाथ से बाइक पे गए हैं, तो एक बार जाके चैनल चेकआउट करो और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। चलो मैं बोलता, मैं तुमको क्या बोलता ना, मैं चलो तुम क्या
क्या बोलते हो, अभी बोला ना? हाँ ना। रुको, रुका था मैं, सामने बोलता मैं तुमको। ठीक है चलेगा। पापा अभी हम इधर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और अभी आपको गांव से फोन भी आया था, तब से आप है ना एकदम से चुप चुप है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बोलता तुमको, तुम आराम करो, सो जाओ, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट इतना तो समझ आ रहा है कि ये रास्ता दिल्ली जा रहा है, ना कि शिमला मनाली। पापा इतना तो बताओ, हम शिमला मनाली की तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे? हम इधर दिल्ली जा रहे, ये तो एकदम अपोजिट वाला रास्ता हो गया ना। अरे मैं अभी रुका था, तुम चलो, मैं तुमको सब बोलता, चलो। ठीक है चलेगा, जल्दी बताना, मेरे को भी टेंशन हो रहा है। देखो वहाँ पे सामने ना स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, वहाँ पे ना लिख के भी आता है कितनी स्पीड है गाड़ी की। अरे खुश हो गया ये तो। देखो यहाँ पे प्लेन रुका हुआ है। अरे होटल है वो, तो प्लेन क्यों रुका है वहाँ पे? अरे वो प्लेन में होटल बनाए वाले हैं, तो वो प्लेन स्क्रैप प्लेन है। हाश, मेरे को लगा ऐसे लैंड क्यों करा दिए यहाँ पे बीच में। मुझे लगा चाय नाश्ता कराने के लिए एक लैंड करवा दिया प्लेन पे। चाय लवर है क्या वो भी? हाँ। ये देखो ये हम आ गए दिल्ली। दिल्ली में भी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। पापा अब तो बताओ ना हम इधर दिल्ली की साइड क्यों जा रहे हैं? अब तो हम गाजियाबाद में आ गए। बच्चे कहाँ पे आए हम? गाजियाबाद। सीरियस मैटर है थोड़ा सा, तो तुम्हारा यार आराम से बैठो ना। लेकिन हमको जानना भी तो है ना, हम शिमला मनाली छोड़ के इधर कहाँ जा रहे हैं? ठीक है बताएंगे पापा, थोड़ा सा सीरियस लग रहा है कुछ तो भी, तो मैं आप सबको भी बताऊंगी। वाओ देखो ना यार कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। बच्चे कहाँ है अपन, कौन सा एरिया ये? गांजाबाद। शाबाश। तिकड़ो बघ ना दीपू कितने सारे, वाओ एक साथ इतने सारे बिल्डिंग्स हैं। हाँ ना कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, देखो आप सब लोग भी एक साथ इतनी बिल्डिंग पहली बार देख रहे ना। अभी ना हम लोग रुके हैं यहाँ पे कुल्लड़ वाली चाय पीने के लिए। देखो ऐसे कुल्लड़ का जो कप होता है ना उसमें चाय देते हैं, और यहाँ पे ना गर्मा गर्म चाय बन रही है। मम्मी देखो ना पापा अभी भी फोन पे ही लगे वाले, गांव से उनको कंटिन्यूअसली फोन और मैसेज आ रहे हैं और बता भी नहीं रहे क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं ना बताते हैं। अरे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, तुम चलो गाड़ी में, बोलता मैं अभी, खा लो इतना। देखो ये कचौड़ी है ना बहुत मस्त है, ये देखो कितनी अच्छी कचौड़ी है यार, हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी कचौड़ी नहीं मिलती। देखो मम्मी ने ना यहाँ से बनाना और ये आम भी लिए है, अब देखते हैं यूपी के आम खा के कैसे लगते हैं। यार मम्मी ये क्या चल रहा है? क्या कितना गांव से फोन आ रहा है, मैसेजेस, कुछ अर्जेंट है क्या, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? पापा बता भी नहीं रहे। पापा भी पापा को आने देना गाड़ी में फिर। हाँ पापा जब आएंगे ना तो पापा से क्लियर पूछना। हाँ। क्योंकि हम शिमला मनाली जा रहे थे, वहां से सीधा हम इधर दिल्ली के रास्ते पे आ गए। अब हमको सच्ची बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है गांव में? अरे देखो अभी अपन इधर जा रहे थे ना, क्या बोलते शिमला मनाली जा रहे थे ना। हाँ। तो अभी वो उधर की ट्रिप कैंसिल करो। क्यों? गांव में काम है थोड़ा सा, गांव से फोन वगैरह आ रहे, तो गांव में थोड़ा सा अर्जेंट जाने का है। ठीक है अभी जाने का है। हाँ तो अपन अभी इधर दिल्ली में, कल ही मेरे को पता चल गया था गांव को जाने का है अपने को। तुम तुम्हारा एंजॉयमेंट मत स्पॉइल करो बच्चे, तुम तुम्हारा एंजॉय करो, मेरा थोड़ा अर्जेंट काम है गांव। चलो अभी अपना ऋषिकेश घूम के हो गया ना। तो सब ठीक है ना गांव में? मेरे से पूछो मत क्या काम है क्या नहीं, डिटेल में बताओ। ये तुम में से कोई पूछेगा नहीं
गांव जाने तक का, वहाँ पे मेरे को कुछ पूछते विछते नहीं बैठना। तुम तुम्हारा तुम्हारा तुम पिकनिक में आए, तुम तुम्हारा तुम्हारा एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है? हाँ, अच्छे से खाओ पियो और मेरे को मेरा वाला काम करने दो, ठीक है? थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए अपन गांव की तरफ चल रहे, ठीक है? ठीक है। हाँ, तेरे को अच्छा लगता है ना गांव जाने के लिए, तू क्या टेंशन ले रही? हाँ, ठीक है, चलेगा। उधर जाके बोलूंगा मैं, काम होने के बाद में बोलूंगा मैं क्या क्या काम था क्या नहीं क्या, वैसे तुमको भी उधर जाने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो तुम तुम्हारा तुम्हारा मूड मत स्पॉइल करके लो। हाँ पापा, चलेगा, पता चल गया। पापा तो बताएंगे नहीं, लेकिन ठीक है, अभी हम गांव जा रहे हैं। तुम पूछो भी मत, और तुम ठीक है ना, उसको गांव जाना पसंद है ना, तो इसी बहाने गांव चले जाएंगे। देखो आप सबको है ना गुड न्यूज़ देनी है, एक सेकंड रुको रुको, ये देखो कैसे दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। देखो देख रहे हो क्या? ठीक है, तुम्हारा एंजॉयमेंट तो हो रहा। पापा सेलिब्रेशन बनता है, है ना बच्चे? हाँ, सेलिब्रेशन तो बनता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। देखो देखो, सिर्फ है ना एक महीना पहले ही हमने ना 6 मिलियन सेलिब्रेशन किया था, और देखो एक महीने में मेरे 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। देखो लास्ट टाइम जब मैं गांव जा रही थी ना, तब मेरे ना 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, और अब जब मैं गांव जा रही हूँ तब मेरे 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना सारा प्यार दिया है ना आप सब लोगों ने, थैंक यू, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, और है ना एक दिन मुझे एक सीरियल में पहुंचा दो, मैंने एक सीरियल में छोटा सा या छोटा सा रोल होना वो भी करना चाहती हूँ, मेरा सपना ही है। देखो अभी हम है ना मस्त हाईवे के एकदम किनारे रुके आम खाने के लिए, वाओ मीठा है आम, और आम है ना मेरा फेवरेट 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 फ्रूट है। देखो आम है ना ऐसे चाकू से कट करके खाने में मजा नहीं है उसको, है ना ऐसे खाने में मजा है। कैसा है, मीठा? बहुत अच्छा। वैसे बताओ किस किस को आम पसंद है? देखो ना कितना अच्छा नजारा, और इतने अच्छे नजारे में हाईवे रोड के किनारे में आम खा रहे हूँ। देखो हमने ना यहाँ पे आम की गुठली फेंकी है, क्या पता यहाँ पे ना कल को आम का इतना बड़ा पेड़ आ जाए। वाह वाह, देखो हमने नाम भी सोच लिया। देखो मेरा फेस कितना भर गया, ऐसे ही होता है आम खाने के बाद। क्या नाम सोचा तूने? क्या नाम होगा तेरे पेड़ का? बिंदास काव्य का आम का पेड़। अभी हम लोग यहाँ से है ना लखनऊ एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे फूड प्लाजाज है, वॉशरूम वगैरह है रेस्ट करने के लिए, तो चलो हम लोग है ना सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, फिर उसके बाद में ना कुछ चाय वगैरह पीते हैं। हाँ सब जाके थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है, कब से हम कंट्रोल करके बैठे हुए थे मैं आप सबको बता नहीं सकती। चलो अभी जल्दी से चलते चाय वगैरह पीते। देखो इतनी गर्मी में अगर कोई चाय पी सकता है तो वो है चाय लवर, क्यों मम्मी? हाँ एकदम सही, और हम ठहरे चाय लवर, गर्मी हो ठंडी हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको बस गर्मा गर्म चाय चाहिए। कौन कौन है ऐसे बताओ तो कमेंट में। कहाँ है पापा का? ये देखो यहाँ पे फूड प्लाजा है, अंदर है, ठीक है चल। मम्मी बोल रही है चाय खाए, चाय का काउंटर ढूंढ, मेन बात तो ये है चाय किधर है। देखो यहाँ पे है ना बहुत सारे शॉप्स है, यहाँ पे आइसक्रीम के, ड्राई फ्रूट्स के, मिठाई के, और उधर के साइड भी शॉप है, पर हम ढूंढ रहे चाय की शॉप। मैं ना ये मीठी वाली सोप ले लेती हूँ, और इसकी बॉटल भी मैं ऐसे संभाल के रखती हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है, बिस्किट वगैरह, फिर ऐसे चूड़ा वगैरह, तो गाड़ी में खाने के लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। कौन से बिस्किट लेने हैं? ये देखो ये ऐसे है ना चॉकलेट वाले बिस्किट ले लेती हूँ मैं, और अच्छे वाले ले। हाँ हाँ, कोकोनट वाले ले। दिखा क्या लिया, क्या लिया तूने? देखो मैंने ना बबल गम्स लिए हैं, ये अच्छे लगते हैं ना खाने के लिए, ये देखो खाना मतलब निगलना नहीं है उसको, मैं और ले लेती हूँ। और कुछ लेना है? देखो ये देखो ये छतरी कितनी अच्छी है, चॉकलेट से आसान। ले लेंगे, जूस चाहिए कृष्णा को, ले ले यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन। तो ये जो जितनी भी चीजें हमने ली है ना, ये सारी काम की चीजें, बिस्किट वगैरह है, इसमें जूस भी है गाड़ी में पीने के लिए।
अच्छा ऐसा ना ये प्लास्टिक केस में देते ना, वो उसमें चाय पीना नहीं वहाँ पे। तो पहले पूछना था ना आप प्लास्टिक केस में देने वाले क्या। देखो फाइनली हमको चाय जो है मिल गई। यार देखो जिसके लिए हम आए थे इतनी मेहनत करके चाय ढूंढी हमने, चाय पी के देखी इतनी बेकार चाय ना, मैं क्या बताऊँ, मन ही उतर गया चाय पीने से। एक तो ठहरे हम चाय लो और ऊपर से हम कुछ अच्छी चाय चाहिए होती है, ना कि गरम पानी अदरक डाल के उबाले वाला। अदरक डाल के उबाला हुआ पानी लग रहा था वो, सच्ची मैं बता भी नहीं सकती आपको उसका टेस्ट कैसे आया होगा। पापा ऐसे आगे आगे क्यों चल रहे, मम्मी बता दो। पापा गुस्सा हो गए। चलो अभी हम हमारी जर्नी है ना कंटिन्यू करते हैं, लखनऊ जाना है हमें। लखनऊ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस पास ही में। लग्जरियस होटल में रूम बुक किया है। रुको मैं आपको है ना रूम का टूर दे देती हूँ। ये देखो ये रही हमारी रूम, बहुत मस्त रूम है। और टीवी भी देखो, टीवी कितना बड़ा है। और हाँ मैं आप सबको बाथरूम भी दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखो ये रहा यहाँ का बाथरूम। हाय यहाँ पे भी ऐसे ही बाथरूम है, यहाँ से सब दिख रहा है अंदर का। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैं ना लखनऊ में हूँ, तो मैंने सुना है कि लखनऊ का है ना लुलू मॉल बहुत फेमस है। तो आज हम है ना लुलू मॉल जाएंगे, फिर लखनऊ का स्ट्रीट फूड खाएंगे, लखनऊ का मार्केट घूमेंगे। क्योंकि यार मतलब मुझे ना लखनऊ का मार्केट भी घूमना है, लुलू मॉल भी जाना है और बहुत सारा स्ट्रीट फूड भी खाना है। और हाँ कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि लखनऊ से कौन कौन है। और हाँ मुझे ना कमेंट में ये भी बताओ कि लखनऊ में ना और क्या क्या घूमने जैसा है, क्योंकि है ना मुझे इतना लखनऊ का कुछ पता नहीं है। बस मुझे है ना ये पता है कि यहाँ की है ना वो बन पाव और चाय बहुत फेमस है, तो मैं वही खाने वाली हूँ। तो हम ना रेडी हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने के लिए। पापा और कृष्णा आ जाएंगे पीछे से। चलो और बताओ मम्मी ने आज मेकअप कैसे किया है उनका। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, आज मम्मी ने खुद से मेकअप किया है ना तो अच्छा लग रहा है। ब्रेकफास्ट में ना कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना फाइव स्टार होटल में ना ब्रेकफास्ट तो होता है लेकिन टेस्टलेस लगता है वो मेरे को बहुत। चटनी है और ये वाटरमेलन है। मुझे जैसे जैसे लगेगा मैं वैसे खाऊंगी। और मम्मी की प्लेट देखो। इसने बोला इसलिए मैंने कम लिया और लेती थी। नहीं मैं बोल रही थी कि एक ही प्लेट में कितना, ये देखो इसमें पोहा है, ये चना वाली सब्जी है और ये क्या है पूरी है ना और ये आलू का पराठा है। कितने कमेंट आए लड़कियों के कि कृष्णा तो अच्छा रहा, अगर स्मार्ट दिखता तो हैंडसम दिखेगा। नहीं ये देखो ये कृष्णा छोटा स्पेस है लेकिन जिम बढ़िया है, यहाँ पे अपन वर्कआउट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमको जिम घर पे बनाना है। होटल में पहली बार मैंने जिम देखा है। तो अभी है ना चेकआउट का टाइम हो गया है, तो हम है ना चेकआउट कर लेते हैं और बाहर जाके ना खूब शॉपिंग करेंगे और खूब सारा स्ट्रीट फूड खाएंगे। आप बस वेट करो और मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ना चिकनकारी कुर्ता जो होता है ना लखनऊ का फेमस, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे, मम्मी ने और मैंने तो यही प्लान बनाया है। चलो तो रात को है ना मैं आप सबको होटल नहीं दिखा पाई। ये देखो हम है ना इस होटल में रुके थे। अब लखनऊ में आ ही गई हूँ तो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल लुलू मॉल में तो शॉपिंग करना बनता है। और मैंने सुना है लुलू मॉल में बड़े बड़े मेकअप्स के ब्रांड है, तो क्या बोलती हो गर्ल्स, बिगेस्ट मेकअप शॉपिंग की जाए लुलू मॉल में? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।